दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि WhatsApp का जो चार्ट है वो बैकअप कैसे ले, और बैकअप लेने के बाद अगर आपका WhatsApp कभी भी 10 साल बाद भी 5 साल बाद भी किसी डिवाइस में लॉग इन करोगे तो आपका जो चार्ट है वो सब कुछ वापस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि WhatsApp का जो चार्ट है वो सही तरीके से बैकअप कैसे करे, जो करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो कहीं खो गया, या 10 साल बाद डिवाइस आपको चेंज कर रहे हो, या कुछ रीजन के लिए मोबाइल आपका कहीं पे खो गया, लॉस्ट हो गया। इन केस में क्या होगा दोस्तों, आपका जो पुराना मोबाइल में व्हाट्सएप चैट था वो सब कुछ दोस्तों 10 साल या 5 साल जितने दिन के बाद भी आप लॉग इन करोगे उस नए डिवाइस में व्हाट्सएप सेम नंबर से लॉग इन करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो व्हाट्सएप चैट था हिस्ट्री सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल में लेके जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये आपके मोबाइल में दोस्तों कैसे एनेबल करके रखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो लाइक का ऑप्शन है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है यहाँ पे दबा के ऑल ऑप्शन पे दबा दीजिए ताकि हमारा ऐसा कोई भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक तो पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में नाइस वीडियो है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और थैंक्स देख रहे हो, थैंक्स पे क्लिक करके सुपर थैंक्स बाय करके चैनल को सपोर्ट कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले दोस्तों आपका व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद पूरा का पूरा जो चार्ट है वो बैकअप करने के लिए आपको ये चार्ट एक बार आप बैकअप कर लोगे गूगल ड्राइव पे तो आपको 10 साल या 15 साल जितना दिन के बाद अगर आप वो लॉग इन करोगे दूसरा मोबाइल में फिर भी आपका ये चार्ट जो है मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक कर लेने के बाद सेटिंग पे जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, चार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर नीचे आइए, आते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे चार्ट बैकअप का ऑप्शन, चार्ट बैकअप पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएगा बैकअप, यहाँ पे क्लिक कर लेने से ही नहीं होगा, आपको जो है यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना होगा गूगल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी अकाउंट सिलेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ पे पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ गूगल अकाउंट। ये सिलेक्ट कर लेने के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑथेंटिकेटिंग, मतलब ये वेरीफाई करेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अलाउ वगैरह कर देना है। और ये अलाउ कर देने के साथ साथ ही दोस्तों देख सकते हो आपका गूगल अकाउंट जो है यहाँ पे इस व्हाट्सएप से लिंक हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो बैकअप टू गूगल ड्राइव, यहाँ पे आपको क्लिक करके डेली पे रख देना है। और यहाँ पे आपका जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, ये सिलेक्ट कर देने से ही दोस्तों अभी आपका क्या करना है, बैकअप पे क्लिक कर दीजिए। प्लीज वेट ए मोमेंट, अभी देख सकते हो बैकअप होगा हो रहा है अभी। प्रिपेयरिंग गूगल ड्राइव बैकअप, मतलब अभी देख सकते हो पहले सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बैकअप लेता था, अभी गूगल ड्राइव पे बैकअप हो रहा है। इसका मतलब ये है अभी आपका जो 29 MB का बैकअप होगा, यह अगर मेरा मोबाइल आज कहीं पे खो गया तो मैं 5 साल बाद कहीं दूसरा मोबाइल खरीद के नया व्हाट्सएप लॉग इन कर रहा हूँ तो इस जीमेल आईडी से लॉग इन करने के साथ साथ ही दोस्तों आज का जितना भी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है मुझे सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो आप लोग भी दोस्तों इसी तरीके से फॉलो करके आपका जो व्हाट्सएप चैट है बैकअप कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।